सतीश रिमी ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग हमारे नए ट्राइपॉड की, तो चलिए आपको ले चलते हैं ट्राइपॉड के अनबॉक्सिंग की ओर। थैंक यू। आज हमने मंगाया था मिनी ट्राइपॉड हमारे ब्लॉग के लिए और वो आ गया है अमेजोन से। तो आज हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग और आपको दिखाते हैं कि ये है कैसा। ये बहुत ही अच्छा है। तो हम अपने ट्राइपॉड की, मिनी ट्राइपॉड की कर लेते हैं अनबॉक्सिंग और मैं इसे कट करती हूँ। तो दोस्तों हमने रिसीव किया है ये अच्छा सा पोर्टेबल मिनी ट्राइपॉड और ये है इसका बिल। हम देख सकते हैं ये इसका बिल है और इसमें आप देख सकते हैं कि हमने रिसीव किया है पोर्टेबल मिनी ट्राइपॉड विथ 3 लेग बेस। इसके 3 लेग बेस हैं और इसके साथ में आप इसको 90 लेटरल इसको टिल्ट किया जा सकता है। और अगर इसका जो मॉडल नंबर है वो है DTR 200MT, ये इसका मॉडल नंबर है। और इसके स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो ये मैक्सिमम लोड 1 kg का लोड ये बियर कर सकता है। इसकी मैक्सिमम ऑपरेशनल हाइट की बात करें तो वो है 7.87 इंच, जो कि काफी अच्छी है दोस्तों। अगर आप व्लॉगिंग करते हैं तो आप आराम से कहीं पे भी किसी भी एरिया में जाकर आप आराम से व्लॉगिंग कर सकते हैं। और इसकी मिनिमम अगर ऑपरेशनल हाइट की बात करें तो वो है 5.11 इंच। आप काफी नीचे से अपने व्लॉग को शूट कर सकते हैं, काफी नीचे हाइट में रखकर आप अपने ब्लॉग को शूट कर सकते हैं। और इसकी अगर फोल्डेबल हाइट की बात करें तो वो है 8.46 इंच। आप आराम से इसको बैग में या किसी भी छोटे या बड़े किसी भी बैग में आप कैरी कर सकते हैं। इसका जो वेट है, वेट की बात करें तो 141 ग्राम्स है इसका वेट। आप आराम से, ये ज़्यादा आपको हैवी नहीं लगेगा, आप आराम से इसको कैरी कर पाएंगे। और इसके जो सेक्शन है, सेक्शन की बात करें तो वो है 2। देन हम यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर इसमें बताया गया है कि एक बॉल हेड है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये बॉल हेड है। और इसके साथ में 1/4 इंच स्क्रू पुश बटन है दोस्तों, विथ 5 सेगमेंट। आपका 5 सेगमेंट इसमें बने हुए हैं जिससे आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। और ये पुश बटन है, बटन के थ्रू हाइट बढ़ती है। और इसके साथ में 2 सेक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं इसके। और आप देखेंगे कि आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। अगर आप जमीन पर रख रहे हैं तो इसमें एंटी स्किड रबर फिट है इसकी, जिससे कि आपके ट्राइपॉड को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ये जल्दी डैमेज, खराब नीचे से नहीं होगा। और इसके 3 लेग बेसेस हैं। तो चलिए अब हम इसको खोल के देखते हैं कि एक्चुअली में जो स्पेसिफिकेशन की है वो इस पे कितने अच्छे हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पर रिसीव किया है, ये है मोबाइल होल्डर। आप देख सकते हैं कि मोबाइल होल्डर है और इसमें आप शायद कैमरा भी फिट कर सकते हैं। और इसके साथ में हमने रिसीव किया है ये है हमारा ट्राइपॉड। और आप देख सकते हैं कि इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर है, रेड और ब्लैक पे इसका कलर कॉम्बिनेशन है। ये डिजिटेक का है ट्राइपॉड और ये एक्चुअली में व्लॉगिंग के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। और जितना अभी हमने देखा था कि ये आपका बॉल पॉइंट है और साथ में अगर मैं इसको खोलूँ तो इसमें ये आपको 3 लेग बेसेस आपको मिल जाते हैं। देखिए, आप इसको आराम से इतना, इसकी मिनिमम हाइट आप इतना रख सकते हैं। अगर आपको नीचे से अगर कोई भी वीडियो शूट करना है तो इतनी मिनिमम हाइट आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, आपके वीडियो शूट करने के लिए ये हाइट। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक रोटेटेड ये रेड कलर का जो रोटेशन एक पॉइंट दिखाया जा रहा है जिसको हम रोटेट कर सकते हैं यहाँ से। तो जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया तो ये रेड पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो इसकी ट्राइपॉड की हाइट है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। जो आपको मैंने पहले दिखाया था कि इसकी हाइट, उससे ये थोड़ी सी ऊंचा हो जाएगा।
अब अगर बाई चांस आपको और ज्यादा हाइट चाहिए है तो इसके लिए यहाँ पर एक पुश बटन दी गई है और 5 पॉइंट दिए गए हैं। आप अपने वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं और अपने ट्राइपॉड की हाइट आपको जितना चाहिए आप उतनी बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने तीनों पुश बटन तीनों लेग ब्रेस खोल के रखे हैं तो ये आपके लेग ब्रेस ओपन हो जाते हैं और आप इसकी हाइट इतनी यहाँ तक आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी हाइट अभी कितनी है। और अब मैं बात करूं इसके साथ में जो लेग ब्रेस दिया गया है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि एंटी स्किड रबर फिट है जिसके थ्रू आपका जो ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड के लेग ब्रेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो कहीं से भी इसमें कोई खरोच या डैमेज नहीं हो। तो ये है आपकी बॉल हेड, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है आपकी बॉल हेड एंड इसमें 1x4 इंच का स्क्रू कनेक्टर लगा हुआ है। ये है स्क्रू कनेक्टर, ये आप देख सकते हैं ये है आपका स्क्रू कनेक्टर। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताती हूँ, आप इसको ओपन कर सकते हैं और अगर आपको इतनी हाइट रखनी है तो यहाँ पर आपको जो मोबाइल का जो कनेक्टर दिया गया था मोबाइल के लिए जो माउंट करने के लिए आपको दिया गया था, तो आप उसको यहाँ पर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कैसे भी आप यहाँ पर इसको माउंट कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने फोन को। तो दोस्तों अभी तक हमने बात की कि अगर आपको इस हाइट पे अगर वीडियो शूट करना है तब हम इसको इस मोबाइल कनेक्टर को आप कैसे माउंट करेंगे। ऊपर जो एक बॉल हेड दिया गया है विथ स्क्रू जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो स्क्रू है तो इसको जब आप यहाँ पर माउंट करते हैं बहुत मजबूत है और मेटल का बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है इसकी क्वालिटी। और इसको अगर आप यहाँ पर माउंट कर देते हैं तो आपके ट्राइपॉड की हाइट आप थोड़ी और बढ़ा सकते हैं। और इसमें एक लगा हुआ है मूवेबल हेड, इसको अगर वर्टिकल माउंट करती हूँ तो वर्टिकल माउंट करने पे आप अपने मोबाइल से किसी भी एंगल में आप वीडियो ले सकते हैं। स्क्रू के थ्रू आप इसको टाइट कर सकते हैं, आप इसको ये ज़्यादा मूव नहीं करेगा, जितना भी आपको एंगल रखना है आपके वीडियोस के लिए आप रख सकते हैं। ये आप बहुत ही ज़्यादा हैंडी है दोस्तों, आप इसे आराम से कहीं पर भी ले जा सकते हैं, आप कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये लाइट वेटेड है, इतना ज़्यादा इसका वेट है नहीं और आप इसको आराम से एक छोटे से बैग में भी कैरी कर सकते हैं और इजीली आप अपने ब्लॉगिंग के लिए जब भी आप ब्लॉग शूट कर रहे हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी तरह की वीडियो बना रहे हैं, चाहे कुकिंग वीडियो बना रहे हैं तो भी आप इसको ऐसे रख कर और इसके जो है इसका जो हेड है एडजस्ट करके आप कुकिंग रेसिपी यहाँ पर शूट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था डिजिटेक का बहुत ही प्यारा सा मॉडल पोर्टेबल मिनी ट्राइपॉड विथ 3 लेग ब्रेस जो कि मैंने बताया है। इसका मॉडल नंबर है DTR 200MT एंड मुझे लगता है कि शायद ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा और आप इसका इजीली यूज कर सकते हैं। तो ये था इस डिजिटेक मिनी ट्राइपॉड का रिव्यू और मुझे तो हमें बहुत ही अच्छा लगा है और अब हम इस पे ब्लॉग बनाकर देखेंगे। तो दोस्तों अब इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस था वो इसमें मेंशन्ड है 995 बट ये हमको अमेज़ॉन से 399 में मिला है। तो अमृत है और मैं इसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर करूंगी, आप वहां पर जाकर आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए ये था इसका प्यारा सा रिव्यू और आप अगर लेते हैं तो बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा और हमारे चैनल को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब, ऐसे हम कुछ प्रोडक्ट के रिव्यू आपके लिए लाते रहेंगे। और हमारे चैनल को कर दीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब और तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय दोस्तों। तो दोस्तों बी सेफ एंड हेल्दी एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपको बाय बाय।